छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में एडीजे कोर्ट की मार्ग पिछले 15 वर्षों से अधिवक्ता संघ चिरमिरी द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को एक ज्ञापन के मार्फक विधि सचिव छत्तीसगढ़ शासन को एक ज्ञापन प्रेषित कर चिरमिरी में एडीजे कोर्ट खोले जाने की मांग के संबंध में एक ज्ञापन दिया था, जिसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। क्षेत्र के लिए बड़े ही गौरव की बात है। चिरमिरी एवं आसपास के करीब 80 से 85 गांव की जनता को इसका लाभ मिलेगा, जबकि नगर पालिका निगम चिरमिरी कोरिया जिले का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र होने के नाते एवं नगर पालिका की आबादी को देखते हुए जल्द से जल्द एडीजे कोर्ट की मांग जो बरसों पुरानी थी आज पूरी हो जाने पर जनता में खुशी है। मैं राकेश कुमार तिवारी वर्तमान में अधिवक्ता संघ चिरमिरी का अध्यक्ष। जी, सुनने में आया है कि चिरमिरी का 15 साल का प्रयास अब सार्थक होने जा रहा है कि एडीजे कोर्ट की स्थापना होने जा रही है, क्या सच्चाई है? क्या चिरमिरी में एडीजे कोर्ट की स्थापना की मांग विगत 15 वर्षों से चली आ रही थी। हम लोगों ने आंदोलन किया, इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधि विधायी मंत्रालय द्वारा चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति और पदों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इस संबंध में जो पत्र है वो रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है, और संभावना ऐसी है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ चिरमिरी क्षेत्र में जो है एडीजे कोर्ट की स्थापना हो जाएगी। इससे कितनी आबादी को फायदा मिलेगा, कितना क्षेत्र के अंतर्गत फायदा मिलेगा? चिरमिरी में अपर सत्र न्यायालय खुलने से 95 ग्राम पंचायतों को और संपूर्ण नगर निगम क्षेत्रों को की कुल 3 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। एक चीज़ बताइए, इससे क्या मणिनगर और बैकुंठपुर क्या प्रभाव पड़ेगा कोर्ट को? कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मणिनगर में भी एक न्यायालय हमारे ऐसा बैठता है जिसमें केवल हमारे ज्यूरिडिक्शन के मामले सुने जाते हैं। और अब चूंकि आबादी भी बढ़ गई है, ये जो कोर्ट चल रहे थे पहले के, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, और चिरमिरी चूंकि जिले का सबसे बड़ा नगर है और डिजर्व करता था यहाँ पे डीजे न्यायालय होना, किसी कारण से नहीं खुल पाया, कोई शासन की कोई मजबूरी रही होगी या कोई कुछ रहा होगा, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन ने चिरमिरी में जो अपर सत्र न्यायालय का खुलने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए हम स्थानीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने विधानसभा शीतकालीन सत्र में चिरमिरी में अपर सत्र न्यायालय खोलने के लिए विधानसभा में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में माननीय विधि मंत्री महोदय द्वारा ये कहा गया था कि आगामी कुछ दिनों में चिरमिरी में अपर सत्र न्यायालय की स्थापना होगी, और उसी का ये परिणाम है कि बताइए इसमें अधिवक्ता संघ का क्या रोल रहा है? अधिवक्ता संघ द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, हमारे जो विधायक जी हैं उनके माध्यम से भेजा गया, विधि मंत्री को पत्र लिखा गया, छत्तीसगढ़ राज्य हाईकोर्ट को पत्र लिखा गया, और हम लोगों के पत्र और डॉक्टर साहब के प्रयास से, हमारे विधायक जी के प्रयास से विधि मंत्रालय ने हमारी मांगों को मानते हुए इस संबंध में कार्रवाई की। ये कब तक खुलने की उम्मीद है? अब क्या है, विधि मंत्रालय द्वारा पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। जी जी। अब वहाँ से अधिकारी जो भी होगा आएंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या कैसी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को बनाते हुए संभवतः 3-4 महीने में या इसी सत्र में खुलने की संभावना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।